अगर मन में विश्वास हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आईपीएस अधिकारी गोरखपुर के एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने। 7 सितंबर को रिजर्व पुलिस लाइन के क्षेत्राधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद एएसपी रोहन ने पुलिस लाइन की दशा ही सुधार दी। जहां पुलिस लाइन के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर सड़कें जर्जर अवस्था में थी, वहीं एएसपी ने अपनी कार्य क्षमता से पूरे पुलिस लाइन की सड़कों को गुणवत्ता के साथ नया लुक दिया। कैंटीन, मेस, आईटीसी, बैरक, मोटर वॉशिंग सेंटर की सूरत ही बदल दी। कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो एएसपी रोहन के हौसलों ने पुलिस लाइन की दशा और दिशा को ही बदल दिया। आईपीएस रोहन प्रमोद बोत्रे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारों से प्रेरित होकर स्वच्छता का अलख जगाया गया है। पुलिस ट्रेनिंग में सिर्फ अपराध और अपराधियों से निपटने की ही नहीं बल्कि समाज के कुरूतियों से लड़ने का भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता भी अपनाने की जरूरत है। इससे जहां अपना शहर मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा, वहीं मनुष्य बीमारियों के चपेट में भी नहीं आएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता अजय श्रीवास्तव से बात करते हुए सीओ लाइन एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, तो आईटीसी में जो ये करने वाली लड़कियां हैं ट्रेनिंग कर रही हैं, अभी जो महिला रिक्रूट है वो आती है। इसमें इस समय कितने हैं? इस समय 277 पहले इसमें बैठने की व्यवस्था थी नहीं, फिर बाद में ये कराई गई बैठने की व्यवस्था। पहले कुछ जो कुकिंग का पार्ट होता था जिसमें खाना बनाने का, वो यहाँ भी होता था। अगर पूरा रसोई में शिफ्ट किया गया और एक मेस उस तरफ भी है तो दो मेस चलती है यहाँ पे साइमल्टेनियसली, क्योंकि 277 लड़कियों को केटर करना, ट्रेनिंग को केटर करना, एक मेस की ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो दूसरी तरफ भी मेस चलती है। तो दो बैच में आते हैं लोग, दो बैच अलग अलग बना होगा? दो बैच ऐसा नहीं है, एक मैच उस तरफ है, एक मैच इस तरफ है, तो जिनको इस तरफ खाना है उनका नाम भी नोट किया है कि हाँ इस तरफ खाएंगे, दूसरे उस तरफ खाएंगे। इसकी साफ सफाई हो, इसका सारा ब्यूटिफिकेशन हो, उन्होंने किया है। अच्छे सारी जो महिला रिक्रूट्स हैं अभी ट्रेनिंग कर रही है, उन्होंने इनका सुंदरीकरण किया है। दोबारा बनाया गया क्या? दोबारा बनाया गया था, इसमें पहले तो कवर्ड था नहीं, और फिर ये शेड लगा के पूरा कवर बनाया गया और पर्दों से भी पूरा कवर किया गया। सब महिला रक्षियों के लिए है? सारी महिला रक्षियों के लिए। इसी का पूरा क्लीनलीनेस किया था, पूरा जो कूड़ा करकट यहाँ पे था सब चीज़ों का क्लीनलीनेस किया था अपने ही लोगों ने, श्रमदान के श्रमदान हमने सेशंस काफ़ी रखे थे श्रमदान के, तो सारे जो कॉन्स्टेबल्स हैं यहाँ के, पेशी के लोग हैं, अफसर लोग हैं, ट्रेनीज हैं, सभी लोगों ने मिल के श्रमदान किए थे। काफ़ी बार ऐसे श्रमदान के सेशंस अरेंज किए गए थे, करीबन 400 लोग एक समय पर एक साथ श्रमदान करते थे, साफ सफाई का काम करते थे यहाँ पे, यहीं पे पूरे पूरे कैंपस में। ये कैंपस जो इसका सुंदरीकरण हुआ है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे लोग
जिनको पहले शायद कभी मोटिवेशन हुआ ही नहीं था, इन्होंने तो दिया नहीं गया था, उन्हीं को थोड़ा मोटिवेट करके उन्हीं से ये क्लीनिंग हमने करवाई है। इसके लिए कोई सेपरेट लोग नहीं रखे हमने क्लीनिंग करने के लिए। इनके अंदर भी आप भाव पैदा किए कि सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री है, इन सभी ने जो एक स्वच्छ भारत का जो नारा दिया था उसी के तहत हमने श्रमदान हमेशा ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि मैं अभी अभी ट्रेनिंग करके आया हूँ नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद से, तो हम खुद भी हर शनिवार को रविवार को सारे जो ट्रेनिंग होते थे हम श्रमदान का काम करते थे। तो हम लोगों ने बहुत काफ़ी बार 1 से 1.5 घंटे का श्रमदान के सेशंस अरेंज करवाए हैं यहाँ पे, उसी से सारा सुंदरीकरण हुआ है। बाकी जो भी छोटी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस की थी वो जैसे कि उस तरफ लाइन के उस तरफ गाड़ी वॉशिंग, जो कार वॉशिंग का जो रैंप होता है वो बहुत दिन से बंद पड़ा था, उसमें काफ़ी पेड़ पौधे उग गए थे, और उसी को पूरा क्लीन करके रैम को एक नई मोटर बिठा के वहाँ पे प्रेशर वॉश की सिस्टम भी हमने लाइन में शुरू की है। पहले गाड़ियाँ बाहर जाती थी वॉशिंग के लिए, अभी वही गाड़ियाँ यहीं पे वॉश होती है, तो उससे अपना थोड़ा सा खर्चा भी बच जाता है, रेवेन्यू बच जाता है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ आरक्षियों को इस तरह की ट्रेनिंग भी दी है सब? ट्रेनिंग इनकी जो ट्रेनिंग है बेसिक पुलिस ट्रेनिंग है, जिसमें लॉ की भी ट्रेनिंग आती है, आर्म्स ट्रेनिंग आती है, और इसके साथ साथ एक भाव भी निर्माण उनके मन में किया जाता है कि स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन का जो सुंदरीकरण हुआ है केवल और केवल अपने लोगों की वजह से इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है। बाहर से कोई आप नगर निगम या जिला प्रशासन से कोई सहायता नहीं दिया? कोई सहायता अभी तक तो नहीं मिली है, जितना भी सुंदरीकरण हुआ है अपने लोगों ने किया है, उन्हीं के हाथ में झाड़ू और एक दे के एक डस्टबिन दे के हमने ब्यूटिफिकेशन किया है। घास इतनी उगी हुई थी पूरे लाइंस में कि उसको पहले तो कटवाना पड़ा, कट करना पड़ा, और उसमें जो कूड़ा करकट जो एक लोगों में भाव होता है कि चाय पी के जो ग्लास होता है वो तुरंत हमने वो बैरक के सामने डाल देते थे, अभी वही लोग हैं, वही आरक्षी है, एक डस्टबिन में वही पूरा कलेक्शन होता है कूड़े का। तो इस तरह की सफाई व्यवस्था या आरक्षियों को जो आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं सफाई का, इस तरह का ये भाव आपके मन में कहाँ से पैदा हुआ? क्या आप ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय से था कि यहाँ आके देखे व्यवस्था? बिल्कुल, ये एक बेसिक चीज़ होती है जो अपने को बचपन में सिखाई जाती है, स्कूलों कॉलेजों में सिखाई जाती है कि जितना अपना घर सुंदर होता है वही अपना परिसर भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस परिसर में हम लोग रहते हैं वो सुंदर रहे, इससे हाइजीन हेल्थ सब कुछ एक प्रॉपर मेंटेनेंस होता है इन चीज़ों का, और रोग जो होते हैं वो कम फैलते हैं इन चीज़ों की वजह से, मच्छर का प्रकोप फिर कम हो जाता है। कंपैरेटिवली यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप अभी कम हो गया है बिकॉज ऑफ द क्लीनिंग जो हमने यहाँ पे सेशंस करवाए थे। जवानों के ही प्रयासों से हो रहा है सारा काम, जितने भी हमारे जवान हैं उनके श्रमदान से और स्वयं ESP साहब कप्तान साहब के निर्देशन में सारे। पहले यहाँ गाड़ी सफाई नहीं होती थी? पहले यहाँ गाड़ी सफाई नहीं होती थी, यहाँ पूरा जंगल पड़ा था, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ यहाँ क्लीन हो गया है, ये सब पूरी घास कूड़े इकट्ठे थे। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके श्रमदान में ESP लाइन साहब के मार्गनिर्देशन में ये सारे कार्य कराए जा रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है हम लोग लगे ही रहेंगे, हफ्ते में एक दिन का दिन निश्चित कर लेते हैं, जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया जाता है कि इस हफ्ते में एक दिन का श्रमदान तो सबको इकट्ठा करके आपस में श्रमदान किया जाता है, जिससे जो भी कुछ हो सक रहा है अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम लाइन को अच्छे से अच्छा बना लें। मैंने 7 सितंबर को गोरखपुर में एज ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पे मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे 2 चार्ज दिए गए थे, एक CO कैंपियरगंज का चार्ज है मेरे पास और CO लाइंस का भी चार्ज है। जब मैंने पहली बार लाइंस में कदम रखा
तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगा कि परिवर्तन की ज़रूरत है। कहीं कूड़ा करकट गिरा है और फैला पड़ा है, घास भी बहुत सी बढ़ गई है, उसकी कटिंग सब प्रॉपरली हुई नहीं है, काफ़ी चीज़ें बंद पड़ी है, उसकी शुरुआत ना मुझे करनी थी। तो बस एक मन में एक मैंने ध्येय रखा कि इन चीज़ों को मैंने 1.5 महीने के अंदर में जितना पॉसिबल है उतना करके इसको बदलना है। तो यही एक भावना रही, क्योंकि हमेशा पुलिस एकेडमी में हो या फिर स्कूल कॉलेज में हो, एक साफ सफाई का हमेशा एक पार्ट हमें उन चीज उसमें पढ़ाया गया था। नेशनल पुलिस एकेडमी में भी हम सारे ट्रेनीज हर शनिवार को श्रमदान करते थे और कैंपस को बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि भाव मन में पैदा किया जाता था जितना घर अपना सुंदर होना चाहिए उतना हम लोग जहाँ पर काम करते वो जगह भी उतनी सुंदर होनी चाहिए। सर अच्छे आते हैं ट्रेनिंग लेने, उनके मन में यही रहता है कि हम ट्रेनिंग लेंगे, पुलिस विभाग में जाएंगे, सर्विस करेंगे, और उनको इस तरह का स्वच्छता का पाठ पढ़ाना कहाँ तक संभव होगा? ट्रेनिंग ये एक ओवरऑल ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें कानून की भी उतनी नॉलेज इम्पॉर्टेंट है जितनी आर्म्स की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, जितनी साफ़ सफाई की एक भाव उनके मन में पैदा करना, ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक ओवरऑल ट्रेनिंग उनको ना ज़रूरी है ताकि वो जब आगे जाए, वो जब अपनी एक न किसी इकाई में जाए, किसी विभाग को संभाले आगे जाके, तो उनके मन में भी होना चाहिए कि वहाँ पे किसी एक लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उनके भी मन में होनी चाहिए। थाना परिसर में देखा जाए तो वहाँ भी सफाई का कहीं कहीं अभाव रहता है, तो उन थाना अध्यक्षों से कुछ कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी परिसर को भी साफ रखें? मैं थाना अध्यक्षों से यही कहना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की या फंड की ज़रूरत होती नहीं है, हम ही अपने लोगों से, चाहे अपने कांस्टेबल्स हो, SI हो, अपने पास जो भी चौकीदार अपने थाने में काम कर रहे हो, उनका एक प्रॉपर अगर टाइम टेबल बनाया जाए तो मुझे लगता है साफ़ सफाई करना कैंपस में बहुत ही आसान चीज़ है। साफ सफाई से सुंदरीकरण होता वहाँ से बीमारियों से भी बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियों से भी बचा जा सकता है, यही हम लोग जब भी कोई सेशन होता है तो मैं ट्रेनिंग क्लासेस में भी न जाता हूँ, यही चीज़ें हम लोग कहते हैं कि साफ़ सफाई से काफ़ी क्योंकि मच्छरों का प्रकोप इन ये सीज़न जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, तो अगर साफ़ सफाई रखें तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। पुलिस विभाग के कर्मियों के साथ साथ आम जनता से भी सफाई के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? वही कहना चाहूँगा कि चाहे रास्ता हो या चाहे आपका घर हो या चाहे पार्क हो, जो भी पब्लिक प्लेसेस है उसको सुंदर रखिए। जो भी आप लोग मान लो चाय पीते हो या कुछ खाते हो तो प्लेट और उसके कप जो होते हैं वो रास्ते पे ना डाल के किसी कूड़ादान में डालें। मैं बाकी नगर निगम से भी यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हो तो जो कूड़ादान होते हैं वो हर थोड़े इंटरवल्स में रोड पे भी न रखे जाए, ये भी एक सुझाव उसमें दिया जा सकता है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रिजर्व लाइन के इंस्पेक्टर हो, मेरे मुंशी हो, सारे जो लोग हमने जिन्होंने भी प्लानिंग किया था बहुत ही बढ़िया शायद न प्लानिंग रही, टीम की प्लानिंग भी इस चीज़ में इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि लाइन का जो परिसर है वो बहुत बड़ा परिसर है, इसको क्लीन करना एक प्रकार की एक चुनौती न थी हमारे सबके सामने, पर सभी ने मिलके ये काम किया है यहीं पे।